hello students today we are discussing about the ncert example question answers of chapter 2 class 12 electrochemistry now your first question is which cell will measure standard electrode potential इसमें से कौन सा सेल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालेगा कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए तो बच्चों जब हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का कंसेप्ट किया था तो हमने ये देखा था कि जब भी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो जो कंसेंट्रेशन होती है इट शुड बी वन एम इट शुड बी वन एम उसी आयन की जिसका निकालना है कॉपर सल्फेट जैसे कॉपर का निकालना है तो अगर हमने जिस आयन के अंदर डाला है तो उसका कंसंट्रेशन वन एम का होना चाहिए और आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो उसका भी पोटेंशियल उस, उसकी भी कंसंट्रेशन कितने की होनी चाहिए वन एम सी दिस ऑप्शन नंबर वन इफ यू सी दिस हाइड्रोजन प्रेशर इज़ वन बार बट यू हैव टू राइट वन बार पॉइंट वन बार बट यू हैव नो द स्टैंडर्ड वैल्यू इज वन बार सी दिस क्वेश्चन नंबर टू हाइड्रोजन इज इज वन बार But the uh, H positive means the 1 molar, small m means uh, this uh, H positive is 1 m, but they have the copper 2 positive ions is 2 m, which is not possible. It should be 1 m. Now, option number 3 hydrogen 1 bar, H positive 1 mole, and here the copper 2 positive is also 1 molar solution. So, this is the standard one, so you can solve it by the question number, answer number 3. Now, next question. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का वेरी करेगा नाउ वाई दिस तो अब हमने ये देखा बेटा अगर हमने सारे ग्राफ्स देखे तो हमने ये देखा ये ग्राफ्स जो है एम जी टू पॉजिटिव एम जी वर्सिस एम जी टू पॉजिटिव है तो ग्राफ आपको क्या दे रहा है एम जी यानी ग्राफ ये प्लॉट करना है आपने हेयर इट इज लॉग एम जी टू पॉजिटिव एंड हेयर एम जी टू पॉजिटिव वर्सेस एम जी ठीक है ये इलेक्ट्रोड वैल्यू है ये आपने प्लॉट करना है नाउ हेयर वाई अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो कराते हैं ना बच्चे तो आपके लिए एक इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स ये एक्स पे है ये एम प्लस सी हेयर द सी इज कॉन्स्टेंट हेयर द सी इज कांस्टेंट ठीक है सी क्या होता है आपका कांस्टेंट तो आपने वाई एक्सेस पे तो लेना है ई एम जी टू पॉजिटिव ये आपने ले लिया वाई एक्सेस पे तो लेना है एम जी टू पॉजिटिव एम जी एक्स एक्सेस पे लेना है क्योंकि आपने एम जी टू पॉजिटिव लेना है तो लॉग एम जी टू पॉजिटिव क्लियर जब आप इसको लोगे तो ये इट वैल्यूज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव दिस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी क्लियर नाउ आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए स्ट्रेट लाइन और दिस इज़ द सी कॉन्सटेंट ठीक है दिस इज द सी कांस्टेंट तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जो ये एम जी टू पॉजिटिवी कंसनट्रेशन है वो भी क्या होती जाएगी इंक्रीज करने का मतलब एम जी टू पॉजिटिवी कंसनट्रेशन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है वो बढ़ता चला जाएगा ठीक है लेकिन इट्स स्टार्टिंग विथ सम दिस क्योंकि दिस पॉइंट इज जो है वो आपका क्या कहलाएगा कॉन्स्टेंट दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ नो हेयर दिस ग्राफ इज सेकेंड कि अब आपने जीरो से नहीं करना क्योंकि आपने स्लॉप दिखाना है तो यू विल स्टार्टअप विद द पॉइंट दैट इज नॉट फॉर द ज़ीरो ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डे ई सेल डेल जी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव इंटेंसिव ये दोनों तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वट इज़ इंटेंसिव ना थर्मोडाइनमिक के कंसेप्ट से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड करती है सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड नहीं होती है तो डेल ई e क्या e cell, cell, है ई सेल यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द सेल वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मींस इलेक्ट्रो पोटेंशियल मास पर डिपेंड नहीं करती लेकिन डेल जी क्या होती है इंटरनल एनर्जी मीन्स वो किस पर डिपेंड करेगी मास पर तो एनर्जी तो ऑलवेज मास पर डिपेंड करती है सो कौन सा ऑप्शन होगा थ्री नाउ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस वैन नो करंट फ्लो जब आपका करंट फ्लो ही नहीं करता तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं ई एम एफ ऑफ द सेल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पहला वो पार्टिसपेट नहीं करता बिल्कुल सही बात है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ये बात तो ठीक है ये वो प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया ये भी बात ठीक है जैसे आप कॉपर सल्फेट में वो जैसे आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड डाल देंगे तो या तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर इसमें रिडक्शन तो प्रोवाइड द सर्फेस आइदर फॉर द ऑक्सीडेशन और द रिडक्शन वो सिर्फ एक सर्फेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए या तो ऑक्सीडेशन के लिए या फिर रिडक्शन के लिए बात यह भी ठीक है नाउ सी इट प्रोवाइड द सर्फेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन का भी क्या कर सकता है वो काम कर सकता है भाई अगर ऑक्सीडेशन का काम करेगा करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा रिडक्शन का काम करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा न फोर्थ सरफेस फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चले ठीक है अब वो इन इलेक्ट्रोलाइट इट इलेक्ट्रोड है या तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी या वो किस में पार्टिसिपेट कराएगा रिडक्शन में दोनों नहीं करेगा तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया फोर ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करते तो पहले हम ये देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल होता है जब आप केमिकल एनर्जी से क्या लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बताते हैं केमिकल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल तब होगा जब आप उसको इलेक्ट्रोसिटी दोगे ठीक है यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल तो हमने तीन केस देखे थे बेटा या तो एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के कम होता है या इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है तो तो कम होता है तब तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है इक्वल होता है तो फिर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है तो इसका मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन द ई सेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की सोल्यूशन से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट नहीं है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयंस साइज पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी विस्कॉसिटी पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने आयन्स आपने डोल्यूशन करके मतलब सॉल्वेशन ऑफ द आयंस प्रजेंट इन दोल्यूशन या कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर तो आपने इन चार ऑप्शन में से ये ढूंढना है जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच इज़ नॉट करेक्ट ठीक है तो सबसे पहला साइज ऑफ द आयन पे डिपेंड करेगी क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा उतनी जल्दी मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो ये बता ठीक है नाउ विस्कोसिटी बिल्कुल जिस अगर आपने सॉलवेंट विस्कस ले लिया या सोल्यूशन विस्कस ले लिया तो आयन को मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा आयन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो ये भी गलत है नाओ डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोलेशन भाई सॉल्वेशन का मतलब वो वोटर के साथ कंबाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा वोटर के साथ आके कंबाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उतना वोटर मॉलिक्यूल आपके आयन के साथ जुड़ जाएगा साइज बड़ा कर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कम होने लग जाएगी मतलब कंडक्टेंस पावर कम होने लग जाएगी तो इसका मतलब सॉल्वेशन भी डिपेंड करती है तो ऑप्शन कौन सा हो गया थ्री नाउ यर क्वेश्चन नंबर एट यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या फाइंड आउट करना है स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो फर्स्टली वी विल सी दिस कि भाई आपका जो रिडक्शन uh, पोटेंशियल uh, मतलब जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है वो देखते क्या दे रखा है नाओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्रोमियम uh, जो पर क्रोमेट आयंस कन्वर्टेड इन टू क्रोमियम आयंसर थ्री पॉजिटिव एट इट कम्स आउट टू बी वन पॉइंट थ्री थ्री सी एल टू कन्वर्टेड इन टू सी एल नेगेटिव इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है वन पॉइंट थ्री सिक्स हेयर एम एन ओ फोर नेगेटिव कन्वर्ट इंटू एम एन टू पॉजिटिव दट इज वन पॉइंट फाइव एंड क्रोमियम थ्री पॉजिटिव कन्वर्ड इंटू क्रोमियम दैट इज कम्स आउट टू बी माइनस पॉइंट सेवन सिक्स क्लियर नाउ हेयर इफ यू सी दिस हमें बताना स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो ऑक्सीडेशन करता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो ऑक्सीडेशन करता है तो जब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये सारे क्या हैं रिडक्शन पोटेंशियल ये सारे आपने क्या ले रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल इसका मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या शो करेगा ऑक्सीडेशन वैल्यू शो करेगा मीन्स ऑक्सीडेशन की पावर रखेगा है ना जो क्या रखेगा ऑक्सीडेशन की वैल्यू रखेगा तो इसका मतलब इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है माइनस पॉइंट सेवन फोर किसके लिए है क्रोमियम के लिए है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्रोमियम अगेन क्वेश्चन नंबर एट में ही हमने क्या निकालना है स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि रिड्यूसिंग इसमें क्या दे रखा है आपको सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी कौन सा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका मतलब वो अच्छे से क्या करेगा रिडक्शन शो करेगा तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है पर मैग्नेटाइल्स का वन पॉइंट फाइव वन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एम एन ओ फोर नेगेटिव नैक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको ये बताना है कि रिड्यूसिंग पावर करने की आपको ये करना है रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द रिड्यूसिंग पावर ना हेयर लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि वो सारी आपको कितनी दे रखी है लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी कम वैल्यू होती है उतना उसका रिड्यूसिंग यानी रिड्यूसिंग पावर मीन्स खुद तो ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन तो अभी आपने देखा ना सबसे कम किसकी थी क्रोमियम की थी सबसे कम किसकी है माइनस पॉइंट सेवन फोर फिर उसके बाद वन पॉइंट थ्री थ्री फिर उसके बाद वन पॉइंट थ्री सिक्स फिर उसके बाद वन पॉइंट फाइव वन सो योर ऑप्शन इज टू ना नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द यूज द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म मीन्स रिडक्शन होने के बाद सबसे स्टेबल फॉर्म किसकी है ना एम एन ओ फोर नेगेटिव एम एन टू पॉजिटिव इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है बेटा तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छे से रिडक्शन करता है तो यानी इसका मतलब इसकी रिड्यूज फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फोम नाउ सब में देखा हमने जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका था क्रोमियम का तो इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशल उसका सबसे कम था इसका मतलब वो जो रिडक्शन नहीं करेगा वो किस में बिहेव करेगा ऑक्सीडेशन करने में बिहेव करेगा तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज किसकी पाएगी क्रोमियम की मिलेगी ना क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू टेन वन मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन्स तो हमें पता है एल्युमिनियम आयन्स को कितना चार्ज चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन का तब वो जाके एल्युमिनियम में बदलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉस चाहिए थ्री फेर डे तो आंसर हो जाएगा थ्री सेल कॉन्स्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल जो सेल कॉन्सटेंट है किसी भी कंडक्टिविटी सेल का बटा वो तो कॉन्स्टेंट होता है वह तो बदलाएगा बदलेगा ही नहीं ठीक है तो चेंजेस विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाता है नहीं वो तो कॉन्स्टेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे तो बदल जाएगा नो no, टेम्परेचर बदलेगा तो बदल जाएगा या रिमेन कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा ऑलवेज भी कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा नो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट स्टोरेज बैटरी के अंदर जब हमने लेट स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी बच्चे तो हमने देखा था एनोड तो लेड का होता है कैथोड लेड की ग्रेड्स होती है लेकिन उसके अंदर क्या फिल कर देते हैं पी बी ओ टू ठीक है तो हमने देखा कि जब आप चार्ज करते हो लेट स्टोरेज बैटरी को यानी आप क्या दे रहे हो इलेक्ट्री सिटी तो इसमें से चार्ज इलेट स्टोरेज बैटरी के आपने ऑप्शन ढूंढने क्या तो जब भी आप चार्ज करेंगे तो जो केमिकल डिस्चार्जिंग के टाइम पे बनता है जो क्या है जो लेट सल्फेट अब वो ब्रेक करेगा और वो ब्रेक करके वही मैट सॉलिड फॉर्म बनाएगा जो एनोड और कैथोर पर डिपोजिट होती है नाउ पी बी प्लस टू सी इफ़ यू सी दिस एनोड पे क्या है ब्लेट तो पी बी प्लस टू किस पे जा रहा है ज़ीरो पर इसका मतलब ये क्या हो रही है रिडक्शन ये है पी बी टू प्लस किस पे जा रहा है प्लस फोर पे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या है रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन कहाँ होती है ऑक्सीडेशन कहाँ होती है एनओड पे तो और रिडक्शन कहाँ होती है के पे तो यहाँ पर हमने देखा पी बी एस ओ फोर एनोड रिड्यूस हो रहा है किसके ऊपर एनोड क्या हो रहा है पी बी एस एफ ओ रिड्यूस हो रहा है किस पे पी बी पे बात तो ठीक है है ना क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे जो एनोड होता है वो कैथोड बन जाता है जो कैथोड होता है वो क्या बन जाता है एनोड सो हेयर इज दैट मीन्स ऑप्शन नंबर वन नो नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिस लेमडा नो एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन फाइन इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और किसकी निकालनी है एन एच फोर ओ एच की तो एन एच फोर ओ एच की मैं कैसे निकालूँ ना एन एच फोर ओ एच की और मुझे लेना है एन एच फोर सी एल अगर मुझे एक तो एन एच फोर चाहिए और एक मैं ले लेती हूँ वाटर है ना एक मैं क्या ले लेती हूँ एन ए ओ एक मैं ले लेती हूँ एन ए ओ एच अगर मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूँ एन ए सी एल क्योंकि मुझे एन ए सी एल चाहिए ही नहीं है तो सबके हमें फाइनेट वैल्यूज़ चाहिए तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड एन एच फोर सी एल प्लस अब यहाँ पे आपको लिखना है एन एच सी दिस बेटा हेयर दिस इज द एन ए ओ एच माइनस एन ए सी एल तो यू विल गेट द ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस सोडियम प्रोवाइड सोल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल एट कर एट अनोड नहीं हाफ सेल रिएक्शन जो अनोड पर होनी है वो कौन सी रिएक्शन होती है तो फर्स्टली वी विल सी दिस इलेक्ट्रोलिस सोल्यूशन ऑफ़ एन ए सी एल मीन्स अगर आप एन ए सी एल को इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो एन ए पॉजिटिव और एक सी एल नेगेटिव बनता है ठीक है ऐसे ही क्योंकि एक्वस है तो वोटर भी ब्रेक करेगा एक एच पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा ओ एच नेगेटिव ना किटाइन गोज टू के थोड अनयन गोज टू एनोड। तो यानी या तो सी एल नेगेटिव एनोड पे जाएगा या फिर ओ एच नेगेटिव एनोड पे जाएगा क्लियर या तो सी एल नेगेटिव एनोड पे जाएगा या ओ एच नेगेटिव यानी सी एल की रिएक्शन या ओ OH एच की रिएक्शन यानी या तो वाटर रिएक्शन की होगी या फिर कौन सी होगी सी एल रिएक्शन क्योंकि ये दोनों के टाइन है ये कैथोड पे मूव करेंगे एनोड पे मूव नहीं करेंगे सो so, आपकी रिएक्शन या तो वाटर वाली होगी या फिर कौन सी होगी क्लोराइड दैट इज वाटर ब्रेक इंटू ऑक्सीजन प्लस एच पॉजिटिव आयन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन और द क्लोराइड आय कन्वर्टेड इन टू सी एल एल टू प्लस में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टू सो इन दिस क्वेश्चन टाइप टू टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जो है वो एक से ज्यादा आपको करेक्ट या इन करेक्ट ऑप्शन मिलेंगे नंबर एटीन इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट एजेंट टू कॉपर ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव वो क्या इंडिकेट करती है ठीक है सबसे पहली बात पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि दैट मीन्स उसकी रिडक्शन होने वाली है कॉपर टू पॉजिटिव की क्या होएगी रिडक्शन होएगी अब जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है तो इसका मतलब अगर आप एक हाइट क्योंकि इसकी कंपैरिजन किसके साथ कर रखें हमारे ऑप्शन में हाइड्रोजन के साथ ना द कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्यों क्योंकि अब जब कॉपर में एक्सेल का सोल्यूशन डालते हैं तो वो हम रिएक्शन होती ही नहीं है हम एक्सेल के सोल्यूशन को कॉपर के वैसल्स में स्टोर करके रख सकते हैं तो दैट मीन्स कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन तो और कॉपर के ऊपर क्या लेस रिएक्टिव है तो कॉपर क्या होगा उसके ऊपर क्या होनी है रिडक्शन और हाइड्रोजन पे क्या होनी है ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो ऑप्शन नंबर टू द रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन द एच पॉजिटिव आइंस ठीक है क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही थी इसलिए स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना नेक्स्ट क्योंकि कॉपर के अंदर आप एसिड डालते हो तो एसिड की हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती है ठीक है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर कॉपर कैन नॉट बी डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड ना ऑप्शन टू एंड ऑप्शन फोर Now next question is E not electrode potential of the half cell reactions are given below. तो so, आपको उसके basis पे correct answers जो हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है? Now see this, if you see this, this is the H positive ions taking the electron and converted into H. Same okay. electrode potential is 1.23. Again water give rise oxygen means ये हो रही होगी uh, reduction. इसमें हो रही है water में क्या हो रही है क्योंकि electron release हो रहा है तो इसका मतलब oxidation एंड सल्फेट आय ऑल्सो अंडर गो ऑक्सीन बिक रिलीज ऑफ टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन आय तो हेयर इज द इलेक्ट्रोन पोटेंशियम तो अब आपने ये देखना है कि कौन से ऑप्शन जो होंगे इसमें से करेक्ट वन होंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज इन डल्यूट सल्फरिक एसिड हाइड्रोजन विल रिड्यूस डेट के थोड़ तो so पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है ना एच टू एस ओ फोर ब्रेक इन टू एच पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयन एंड अगेन वाटर क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन है तो एच पॉजिटिव आयन प्लस ओ एच नेगेटिव आयन तो जब हम इस रिएक्शंस को देखें दे हैव ओनली वन एच पॉजिटिव दे हैव ओनली वन की टाइम डेट गोज टू कैथोड डैट मीन्स एच पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा और एच टू को रिलीज करेगा तो इससे ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट वन कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हाइड्रोजन विल रिड्यूसड एट कैथोड कैथोड पर हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी रिडक्शन एंड लिबरेट एट एच टू नाउ अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि भाई और क्या कहना चाहता है कि पे तो ये रिएक्शन हो गई अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन या तो रिएक्शन बी होगी या रिएक्शन कौन सी होगी सी ठीक है ना अब, अब अगर हम देखें वाटर ब्रेक करेगा और सल्फेट आयंस मतलब तो एस ओ फोर टू नेगेटिव और ओ एच नेगेटिव में कौन सा आयन जो होगा मूव करेगा तो हम आ, जो हम इसमें पढ़ते हैं बेटा हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि जिसका साइज छोटा होगा वही प्रेफर करेगा अपने प्रे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाने पर तो सल्फेट और OH नेगेटिव में आयन किसका छोटा हो गया OH नेगेटिव आयन कौन सा छोटा हो गया OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव कहाँ मूव करेगा एनोड की तरफ और एनोड पर मूव करके वो कैलिबरेट करेगा ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन एटम सो ऑप्शन नंबर थ्री कि इन डल्यूड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड वाटर की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन और डल्यूड सल्फ्यूरिक एसिड पे सल्फेट मूव नहीं करता अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो आपका सल्फेट मूव करेगा तो ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दानियल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है वन तो आपको बताना है इसमें से जो करेक्ट करेक्ट एक्सप्रेशन है जो डिस्क्रिप्शन बताएगी स्टेट ऑफ इक्वेरियम ऑफ दिस रिएक्शन अब इक्लिबेरियम ऑफ फॉर दिस रिएक्शन देखते हैं डैक्ट मिलता द इक्वीवरियम कॉन्स्टेंट तो जब हम इक्वेरियम कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं वी नो डैट कि ई इज इक्वल ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन या फिर टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ आप सिंपल हम इस इक्वेशन को अपने उसके हिसाब से चेंज करेंगे जो हमारे पास ऑप्शन है तो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ लॉग के सी ठीक है तो दिस इज़ एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूला ना अब हम देखते हैं ये तो दे रखा है वन पॉइंट वन ठीक है ये मेरी वैल्यूज कितनी अंदर रखे वन पॉइंट वन तो सीधिस और लॉ क्योंकि डैनियल्सन में जिंक आयन होता है जिंक टू इलेक्ट्रॉन लीज करते तो लॉ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू सो दैट थिंग सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन की टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर टू एफ लॉक के सी इज इक्वल टू वन पॉइंट वन सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट इज लॉ के सी इज इक्वल टू वन पॉइंट वन क्योंकि इक्लिबीरियम है इक्लिवेरियम है ना तो इक्लिवेरियम पूरा का पूरा ये ऑप्शन किसके इक्वल है ई नॉट ऑफ द सेल के तो डैट मीन्स लो के सी की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी वन पॉइ लो के सी जो है जो पूरी की पूरी है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर टू एफ लॉ ऑफ के सी अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना चाहूँ दैट इज़ वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको ठीक है वन पॉइंट वन इंटू टू दैट इज़ टू पॉइंट टू और ये पूरा सॉल्व करके क्या आता है पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन तो जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी आपकी एक्सप्रेशन कैसी रहती है सेम रहती है तो ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर थ्री नॉ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोटिक सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी है ना कि आपने कौन सा स्ट्रॉन्ग लिया, लिया है कि वीक लिया है है ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की जो इंक्रीज होती है कंसनट्रेशन कम होती है कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्टेपली इंक्रीज़ करते चली जाती है तो इसका मतलब किस इस पे डिपेंड करेगा एक तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटी कॉन्सेंट्रेशन पे मीन्स डेल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है डेल्यूट में कंसनट्रेशन बढ़ती है लेकिन कॉन्सनट्रेशन आपकी अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो जो तो कंडक्टेंस है वो क्या होती है कम होती है तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको नो लेमडन इन्फाइनडोल्यूशन वोटर की निकालनी है सो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा तो सी दिस हमें वोटर आंसर निकालना चाहिए तो एच सी एल प्लस एन एच सी एल पहला ऑप्शन क्या है एच सी एल प्लस एन एच माइनस एन ए सी एल तो यानी ये माइनस करेंगे तो ये भी हट जाएगा और यहाँ से सी एल तो क्या रह जाएगा आपका ओ एच OH और रहनी वोटर तो ऑप्शन वन ठीक हो सकता है सेकेंड देखते हैं एच एन ओ थ्री इसमें हमने क्या ऐड कर दिया एन ए एन ओ थ्री माइनस क्या कर देंगे एन एच -OH. इसमें ओ एच OH है ही नहीं बेटे तो माइनस क्या कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया न एच एन ओ थ्री प्लस एन एच -OH, माइनस में एन ए एन ओ थ्री तो यहाँ से एन ए चला जाएगा यहाँ से एन ओ थ्री है ना यहाँ से एन ए चला जाएगा यहाँ से एन ओ थ्री तो अब आपका क्या रह जाएगा वाटर आपका क्या रह जाएगा वाटर बट अगर आप ये देखिए एन एच फोर OH, ओ एच क्योंकि वो आपका सोडियम uh, एसीडेट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है है ना नाउ एन एच फोर ओ एच प्लस एच सी एल माइनस एन एच फोर सी एल तो यहाँ से एनएच फोर चला गया और यहाँ से सी एल तो अगेन आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन द व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट नाउ अब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है अब एक्वास है तो पानी भी ब्रेक करेगा कॉपर सल्फेट भी टूटेगा इलेक्ट्रोड कौन सा लिया प्लेटिनम का ठीक है तो कॉपर प्लस टू प्लस सल्फेट वाटर एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव तो अब हमें निकालना है कि इनमें से दीज मूव टू द केथोर दीज मूव टू द एनोड साइज स्मॉल है कि ऊपर का कॉपर कहाँ जाएगा कैथोड पे ये कैथोड पे जाएंगे और ये एनोड पे जाएंगे अब कॉपर टू पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर ऑप्शन वन कॉपर डिपोजिट होएगा अब सल्फेट और ओएच OH में ओएच OH नेगेटिव का साइज़ छोटा है तो ओ OH जाएगा कहाँ पर जाएगा एनोड पर जाएगा और क्या हो जाएगी आ, जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी एनोड पे तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट पाएगा थर्ड ऑप्शन नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ऑफ इलेक्ट्रोसिज एक्सल्यूशन अगेन सोल्यूशन है लेकिन अब देखिए बच्चे आपने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया अब आपने यूज किया है दिस कॉपर इलेक्ट्रोड अब आपने कौन सा यूज किया है कॉपर इलेक्ट्रोड क्लियर अब आपने कौन सा यूज किया है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू अब आपको बताना है बच्चे कंडक्टिविटी किसकी इक्वल होती है नाउ वी नो दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट ठीक है कंडक्टेंस होती है प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ठीक है सेल कांस्टेंट होता है एल बाय ए और के को हम क्या लिख सकते हैं वन बाय रो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रजिस्टिविटी ना सी दिस योर ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट ना नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर टू चीज देखिए now दिस इज कॉल्ड जी सेल कॉन्सल हम क्या लिखते हैं जी तो जी बाय आर भी हम लिख सकते हैं तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर two. now नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड अपऑन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है आइनिक सोल्यूशंस की वो किस पर डिपेंड करती है ऑफकोर्स नेचुरल बात है किसी भी आयनिक uh, सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जो होती है किस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा कैप्रोड्यूज होंगे आयन्स और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ठीक है एक तो ये और नौ सेकंड क्या है आपका दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्यों क्योंकि दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस भी कांस्टेंट होती है और उसका एरिया भी जिसको हम क्या नाम देते हैं सेल कॉन्स्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम जी

एम जी टू पॉजिटिव प्लस कॉपर ये क्योंकि एम जी किस में जा रहा है एम जी टू पॉजिटिव में और कॉपर टू पॉजिटिव किस में जा रहा है कॉपर में नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू नाओ मूलर कंडक्टिविटी हेयर द इलेक्ट्रोर सेल के एंड सेल कॉन्स्टेंट नाउ फर्स्ट इज मूलर कंडक्टिविटी इफ यू सी दिस मूलर कंडक्टिविटी द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वेर पर मूल और अगर आपको पता हो सो so योर अगर हमने करा था कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था uh, जो हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला इट इज़ के इन टू थाउजेंड में, मे दिस वन इज द कंसनशन और यू कैन से मोलरिटी नो है इज मोल्स पर लीटर द मोल्स पर कंसनट्रेशन किस में नापते हैं मोल्स में सो so, ये आपका ऐसी प्रोकर चला जाएगा तो मोल्स का आपका एक यही है डेट विल बी द साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स नो सेकेंड इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमेशा किसमें नापा जाता है वी में पोटेंशियल डिफरेंस ओके नो के इज द कंडक्टिविटी हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिस इज थ्री एंड सेल कॉन्स्टेंट वैल्यू डी इज द सेल कॉन्स्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर नॉ एक्स्ट इज लेमडा एम डेल जी नॉट सेल के एंड डेल जी सेल इनके हमने बतानी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉ मोलर कंडक्टिविटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है इंक्रीज करती जाती है विथ डेल्यूशन जितना पानी डालते जाओगे डेल्यूट करोगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लग जाती है इनट ऑफ द सेल हमेशा किस पर डिपेंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करती निकली बीम दट इज के दैट इज कॉल द कंडक्टिविटी लेटेस्ट डिपенд अपऑन द नंबर ऑफ आयन्स अब नॉर्मल नेक्स्ट इज़ जी सेल दिस इज़ डिपेंड ऑलवेज डिपेंड अपऑन द मास ऑफ़ द सब्सटेंस नॉट एट इस कोल्डर क्योंकि ये गिब्स एनर्जी है तो इट ऑलवेज डिपेंड अपऑन द मास नॉर्मल नेक्स्ट इज़ लेट स्टोरेज बैटरी आपको पता तो आपको, uh, uh, maximum, um, battery, आप है ल जिसमें एनोड का काम करेगा लेड और लेड ऑक्साइड किसका काम करेगा कैथोड का मर्करी सेल्स मर्करी सेल्स किस पे डिपेंड करेगी क्योंकि हमें मर्करी सेल की ओवरऑल रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी जिसमें आयन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो मर्करी सेल की पोटेंशियल क्या हो जाएगी गिवस टू डी पोटेंशियल फ्यूल सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है और रस्टिंग क्या है प्रिवेंटेड बाय नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू सॉल्व के को हम कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक रिकनडक्टिविटी को दैट विल बी जी इंटू आट सेल्फ कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस के को कैसे करेंगे सेल्फ कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय लेमडा एम कैसे निकालेंगे के इन टू सी है ना के इन टू थाउजेंट अपॉन मे मोलरिटी ना एल्फा एल्फा क्या होता है लेमडा एम कंसनट्रेशन नेक्स्ट क्यू करंट इन टू टाइम नाउ नेक्स्ट इज लेकल सेल तो आपको पता है जो सिंपल जिंक का जो सेल होता है वही लेकल होता है डेट इज द डी जिंक कन्वर्टेड इंटू जिंक टू पॉजिटिव निकल कैडमियम सेल दिस डज नॉट रिमोल्व एनि आया लिखमिकम से डज नॉट रिमोल्व एनि आयान दोल्यूशन एंड इट इज यूज इन द हेरिंग एट्स दिस इज द मर्करी सेल ठीक है रीचार्जेबल निकल कैडम सेल कैसा होता है री चार्जेबल फ्यूल सेल फ्यूल सेल क्या होता है हमेशा जो फ्यूल सेल होता है कंबशन यानी किसी भी फ्यूल को बर्न करेंगे तो किस में बदल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना बर्करी सेल मर्करी सेल क्या करेगा कोई भी आयंस की फर्मेशन नहीं करता ओवरऑल रिएक्शन में हेरिंग एड्स में यूज़ किया जाता है नो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर यू हैव दिसरियस कॉलम एंड यू हैव टू मैच दिस कॉलम नो फर्स्टली वी विल नो दोटेंशियल डाटा ऑफ दिस थिंग नोट एट सेवन वोल्ट लिथियम और ये किसके लिए है फ्लोरिन कन्वर्टेड इन टू एफ टू कन्वर्टेडिवट लिथियम पॉजिटिव कन्वर्टेड इंटू लिथियम ई नोट फॉर दिल गोल्ड थ्री पॉजिटिव कन्वर्टेड इन टू गोल्ड एंड बी आर टू कन्वर्टेड इन टू बी आर नेगेटिव इफ़ यू सी दिस एफ टू जो सबसे कम वैल्यू है किसकी है लीथियम की है मीन्स ये क्या होता होगा सबसे कम वैल्यू है क्योंकि ग्रेटर द पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर में भी द रिड्यूसिंग नेचर क्योंकि वो रिडक्शन कर सकता तो है तो यू सी दिस एफ टू की वैल्यू सबसे ज़्यादा है टू पॉइंट एट सेवन डैट मीन्स ये क्या है ऑक्सीडा uh, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी क्या हो सकती है रिडक्शन ऐसे लीथियम की सबसे कम है तो ये क्या है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नेक्स्ट स्टार्ट विध दिस एफ टू एफ टू की हम देखें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है मीन्स ये क्या uh, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको दिया हुआ है टू पॉइंट एट सेवन पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा रिडक्शन का काम करेगा इसका मतलब ये क्या पाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो द बेस्ट वन क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो एफ टू किससे मैच करेंगे दिस तो नॉन मेटल विच इज़ द बेस्ट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन मेटल भी है लिथियम अगर आप देखें सबसे कम है तो वह मेटल जो कि क्या करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना गोल्ड की वैल्यू किस पे जा रही है गोल्ड में वन पॉइंट फोर वोल्ट तो ऐसा एक मेटल क्योंकि गोल्ड क्या है एक मेटल है ठीक है ऐसा मेटल आयन जो क्या काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बनेगा तो मेटल आयन तो ये ना कॉप और गोल्ड थ्री पॉजिटिव कन्वर्टेड इन टू गोल्ड सो योर आंसर इज थ्री ना फोर्थ का क्या है आपका फोर्थ क्या है आपका ब्रोमीन नेगेटिव अब ब्रोमाइड नेगेटिव क्या है नॉन मेटल नॉन मेटल ना अनायन बना रहा है तो अब आपको ये देखना है कि किससे मैच करेगा ये तो ना गोल्ड मेटल किससे मैच करेगा डेट भाई आपका मैच Brum, करेगा दिस ब्रोमाइड आयन मैच विथ द अनायन वो अनायन जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किससे बाई गोल्ड थ्री पॉजिटिव से ठीक है ना अनयन डैट कैन भी ऑक्सीडाइज बाय गोल्ड थ्री पॉजिटिव बाई ये वो जिसकी ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये वो ये किसको करेगा अन आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है अनायन डेट कैन भी ऑक्सीडाइज बाय गोल्ड थ्री पॉजिटिव तो यर ऑप्शन इज फोर हेयर यू कैन राइट इट फोर नाउ फिफ्थ गोल्ड हाँ जी अब गोल्ड का किससे मैच करेंगे ना यू नो डैट कि गोल्ड वैसे कैसा है अनरिएक्टिव एलिमेंट गोल्ड वैसे ही नहीं करता किसी के साथ तो गोल्ड को किससे मैच करेंगे फिफ्थ से ना नेक्स्ट इज सिक्स लिथियम पॉजिटिव आपको पता है लिथियम पॉजिटिव क्या है ये सॉरी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि रिडक्शन तो करता ही नहीं है ना ये हमेशा ऑक्सीडेशन करता तो ये वीकेस्ट क्या हो जाएगा oxidizing agent. so this is C. now the last one is fluoride negative, fluorine negative kya karega anion which is the weakest reducing agent. now assertion reason copper is less reactive than hydrogen. copper जो है वो less reactive है. तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्योंकि reactivity series में, electrode potential में हमेशा copper hydrogen से नीचे होता है. ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो है लेकिन वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है किससे हाइड्रोजन से इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी नहीं करता अगर आप एसिड डालते हो तो तो हमें देखना है तो कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्टिंग कॉपर की वैल्यू नेगेटिव होती है नो कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव होती है तो हेयर असर्शन तो बिल्कुल ठीक है बट रीजन क्या है आपका फोल्स नो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड सेल शुड हैव है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन कि अगर आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू करनी है तो वो हमेशा पॉजिटिव बिल्कुल सही बात है वही ई एम एफ ऑफ द सेल अगर पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कैसी होगी फिजिबल होगी ये बात तो ठीक है लेकिन ई नट ऑफ द सेल कब पॉजिटिव आएगा क्योंकि ई सेल हमेशा कैसे निकालते हैं इफ़ यू सी दिस ई सेल कैसे निकालते थोड़ माइनस एनोड ये वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी ये वैल्यू वैल्यू नेगेटिव होगी तो ही तो हमारा आंसर आएगा ना ग्रेटर दैन पॉजिटिव ग्रेटर में भी और पॉजिटिव आंसर तो कैथोड शुड भी ग्रेटर देन एन और तब आपका जाके कहीं ई e सेल कैसा आएगा पॉजिटिव सो यर रीजन इज कैथोड इज लेस देन एन दैट मीन दिट इज अर रॉन्ग सो यर ऑप्शन नंबर थ्री ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजिज ऑन डल्यूशन कि अगर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आप पानी डालोगे तो डिक्रीज़ करती है अब ऐसा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों डिक्रीज़ करती है क्योंकि नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं वो डिक्रीज़ करने लग जाते हैं बात तो ठीक है अब क्या कह रहा है अब इसका रीजन क्या दिया उसने क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम गॉज ऑन डिक्रीज इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट क्या है इसका रीजन विद एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन लैमडा एम फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट शार्प इंक्रीज बिल्कुल सही बात है अगर आप देखो अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते तो ग्राफ ऐसा प्लॉट होता था तो डैट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपकी एम की वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज़ करती रहती है अगर आप क्या करते हो डेल्यूशन बढ़ाते रहते हो ये बात बिल्कुल ठीक है अब आप देखते हैं फ्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट डिग्री तो ऑफ डिसोसिएशन है इंक्रीज़ क्योंकि नंबर ऑफ आय गोज ऑन गोज ऑन प्रोड्यूसिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होते हुए इंक्रीज करते हैं वे डेल्यूशन के साथ तो डैट मीन्स करेक्ट एक्सप्लेशन

और आपका कोई पोटेंशियल कैसे रहता है कॉन्स्टेंट रहता है तो हेयर द एसर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज ट्रू तो ऑप्शन फाइव नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रलिस ऑफ एन ए सी एल सोल्यूशन जब आप एन ए सी एल को पानी डाल के इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो क्लोरीन एनोड पे लिबरेट होती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन तो अब आपको पता है जब NaCl सी एल को देंगे तो एक बनेगा एन ए पॉजिटिव और एक बनेगा सी एल नेगेटिव क्लियर उधर से वाटर ब्रेक करेगा तो क्या टूटेगा सी अगर आप एन ए सी एल को तोड़ेंगे तो एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव और वाटर को ब्रेक करेंगे एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव तो इसमें जो छोटा है है वो मूव करेगा तो एन ए पॉजिटिव मूव टू कैथोड एंड कन्वर्टेडिंग टू सोडियम लेकिन इन दोनों में क्लोरीन मूव करेगा और क्लोरीन मूव करेगा तो मूव टू द कैथोड एंड लिबरेट तो अब हमने देखा अन एनोड पे जाएगा तो इसका मतलब क्लोरीन डिबरेट होएगी बात ठीक है तो ये बात ठीक है कि एनोड पे क्या लिबरेट होती है क्लोरीन अब क्यों क्योंकि ऑक्सीजन भी जा सकता है लेकिन ऑक्सीजन को ज़्यादा ओवर वोल्टेज की नीड होती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर मेजिंग द रजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन आपको रजिस्टेंस बनानी आयनिक सोल्यूशन की एन ए सी सोर्स यूज़ किया गया है ठीक है आयनिक सोल्यूशन की क्या निकालनी है रेजिस्टेंस और ए सी सोर्स यूज़ किया गया है ठीक है कंसनट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आयनिक सोल्यूशन विल चेंज इफ़ डी सी सोर्स इज यूज ठीक है अब वो कहेगा कि भाई रेजिस्टेंस निकालने के लिए आयनिक सोल्यूशन को ए सी करंट दिया गया है तो ये बात तो ठीक होती है क्योंकि ए सी दिया जाता है क्योंकि अगर हम डी सी करंट दे देंगे तो आयन्स की आयनिक सोल्यूशन के अंदर जो ब्रेक करके आयन्स बन रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन रेगुलरली बदलती रहती है इसलिए कंडक्टेंस भी बदलती रहेगी तो योर ऑप्शन इज करेक्ट विथ नंबर वन विथ करेक्ट एक्सप्लेशन दो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट स्टॉप फ्लोइंग वेन ई नॉट ऑफ द सेल इज जीरो बात ठीक है अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल जीरो हो जाए उस टाइम पे करंट स्टॉप हो जाता है फ्लोइंग नहीं करता क्यों क्योंकि उस टाइम पे कह जाती है इक्लिबेरियम कंडीशन आ जाती है तो ये रीजन इज सेम की इक्लिबेरियम ऑफ द रिएशन रीच रिएक्शन इज अटेन तो रीजन बोथ आर करेक्ट विथ करेक्ट Explanation. Now इज सिल्वर सिल्वर पॉजिटिव कन्वर्टेड converted into सिल्वर इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको सिल्वर का दे रखा है और वो कहता है वो इंक्रीज करता है विथ द इंक्रीज ऑफ सिल्वर आयन कंसन और इसकी वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव तो फर्स्टली वी सी दिस क्या वाकई में ऐसा होता है हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगी तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है ईज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन अपॉन मे एन लॉग ऑफ हाँ जी तो हेयर सिल्वर पॉजिटिव किस में जा रहा है सिल्वर में तो सिल्वर अपॉन मे सिल्वर पॉजिटिव तो अगर हम ये देखें कि सिल्वर इसकी कम क्योंकि सॉलिड है तो इसकी तो वैल्यू वन रहेगी ना नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा लॉग ए पॉजिटिव आयंस तो सिल्वर पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई e सेल भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा ठीक है अब ई वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्यों क्योंकि रिएक्शन अगर आपकी फिजिबल है तो ई e वैल्यू कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इसका इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन के साथ कोई डिपेंड नहीं होता बच्चे आपका असेशन रीजन बहुत आर करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक सल्फेट को जिंक कॉपर सल्फेट को आप जिंक के वेस्ल में रख सकते हो ठीक है कैन वी कैन कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन द जिंक वेसल सो इफ़ यू सी दिस reactivity series रिएक्टिविटी सीरीज इज जिंक इज़ मॉर रिएक्टिव दैन कॉपर जिंक इज़ मॉर रिएक्टिव दैन कॉपर नॉब जिंक ज़्यादा reactive, than copper. Zinc is more reactive than copper. Now, है copper less reactive है तो अगर आप कॉपर सल्फेट में जिंक एड करेंगे तो दैन इी कन्वर्टेड इन टू जिंक सल्फेट मीन्स रिएक्शन हो जाएगी सो दैट मीन्स ये बात ठीक कैन बी स्टोर दिंक बस ऐसा ये कहता है नहीं हम नहीं कर सकते हैं. अब रीज़न क्या दे रहा है क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव नो बट जिंक इज मोर रिएक्टिव यानी आपका uh, जो क्या हो जाएगा दैट इज जिंक सल्फेट कैन बी स्टोर इन द जिंक वेसल नो एंड द जिंक इज रेस रिएक्टिव तो बोथ हार्ड इन करेक्ट स्टेटमेंट तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका फोर सी दिस इफ यू सी दैट ऑप्शन नंबर फोर बोथ असेंशल रीजनस आर फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैन एप्सोल्यूट इलेक्ट्रोन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेजर्ड एप्सोल्यूट का मतलब खाली एक इलेक्ट्रोड का आप निकाल सकते हो नो no. अगर आपको मैं सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का रोड डाल के देती हूँ क्या आप उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं नो वी कैन ओनली कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड वन इज मैग्नीशियम देन वन इज हाइड्रोजन नाउ नेक्स्ट इज ई आउट ऑफ द सेल ऑफ द जी सेल किसी रिएक्शन uh, की जो इक्वल हो सकती है जीरो पे यस एट इक्वरियम कंडीशन पर आपकी डेल जी भी जीरो होती है और आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी क्या होता है जीरो होता है तो अंडर वट कंडीशन सेम एट इक्वेरियम पे आपकी ई e, सेल e भी जीरो होती है और आपकी डेल जी भी क्या होती है ज़ीरो होती है नॉन है जिंक टू पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक आपका देखो क्या दे रखा है बच्चे कि जिंक टू पॉजिटिव यानी डिडक्शन हो रही है और आपका पोटेंशियल क्या दे रहा है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट सेवन सिक्स ना एज द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट जिंक टू पॉजिटिव एन कन्वर्टेड इन जिंक हेर इलेक्ट्रोल पोटेंशियल इज लेस दैट मीन इट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग इट एक्साइडेड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इसकी क्या हो सकती है ऑक्सीजेशन और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिंक जो ऑक्सीडाइज करेगा और क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन क्या शो करेगा reduction clear now next question is aqueous copper sulfate solution and aqueous silver nitrate solutions आपके पास दो सोल्यूशन है दोनों सीरीज कनेक्टेड है दैट मीन्स आपका कौन सा लो लगेगा फरडे सेकेंड लो जो ये कहता है कि जब भी किसी भी दो या दो से ज़्यादा ऐप को सोल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप सीरीज कनेक्टेड करते हो और उनमें करंट पास करते हो तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का आपका जो भी एलिमेंट आपने डिपोजिट किया जैसे सपोज कॉपर है तो कॉपर का मास एटॉमिक मास ऑफ मेटल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कॉपर किस में बदलता है कॉपर टू पॉजिटिव में मींस नंबर ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ हेयर तो इट विल बी डिफरेंट क्या वो सेम वो कह रहा है कि जो आ, मास डिपॉजिट होगा कॉपर और सिल्वर का वो सेम होगा कि डिफरेंट ना हमें पता चला कि जो मास डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली भी होता है इक्विवेलेंट वेट के और इक्विवेलेंट वेट किसके डायरेक्टली भी होता है उसके अटोमिक मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के केस में है ज़्यादा लेकिन सिल्वर के केस में है कम क्योंकि सिल्वर वन पॉजिटिव को ही रिलीज करता है ठीक है इसका मतलब जो कॉपर है उसको टू फेरेडे का चार्ज लगेगा इसमें कॉपर को कितना फेरेडे का चार्ज लगेगा टू फेरेडे का और इसमें कितने का लगेगा वन फेरेडे का एज द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट इसका चार्ज ज़्यादा वेट भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा चार्ज कम वेट भी कम डिपॉजिट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन सेक्शन आपको गैल्वेनिक सेल दिखाना है तो बच्चे जैसे कॉपर रिएक्टेड विद द सिल्वर आयंस कन्वर्टेड इनटू सिल्वर प्लस कॉपर टू पॉजिटिव सिल्वर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो आप उसको कैसे लिखेंगे सिल्वर 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 प्लस देन देन सॉल्ट ब्रिज आयंस किस में गया है कन्वर्टेड इनटू सिल्वर तो हेयर द कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर टू पॉजिटिव देन सॉल्ट ब्रिज क्स्ट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्लोराइड आयन्स का मोर पॉजिटिव होता है देन दैट ऑफ वोटर ठीक है क्लोराइड आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है पानी से इवन द इलेक्ट्रोल एक्वलूशन क्लोराइड वाइज क्लोराइड ऑक्सीडाइज एट एनोड इंस्टीड ऑफ वोटर सो so, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिटिक सोल्यूशन बना के देखते हैं नाउ एन ए सी एल और वाटर आपने दोनों को इलेक्ट्रिसिटी दी तो नेचुरली बात है एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव इसकी दो बात कौन जाएगा हाइड्रोजन क्योंकि स्मॉल साइज का है वो अपना केथोड़ पर जाएगा नौ जब इन दोनों की बात करते हैं तो इसका साइज छोटा है ये जाएगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर और सी एल टू की तरह जो है वो लिबरेट होएगा लेकिन ओ एच OH नेगेटिव नहीं जाता एज ऑक्सीजन की तरह लिबरेट नहीं होता क्यों ड्यू टू इट्स ओवर पोटेंशियल क्योंकि ऑक्सीजन को जो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है ओवर पोटेंशियल की नीड होती है नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जब भी हमने देखा बच्चे जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन को डिप किया जाता है कभी इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव ज्यादा है कभी इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है नेगेटिव पार्ट ज्यादा हो रहा है तो ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं ना चार्जेस का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में उसे कोई हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलपिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाउ कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड इन विच द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कपल टू एन इलेक्ट्रोटिक सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कपलिंग की हुई है किसके साथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के साथ तो व्हाट विल बी द प्लैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल नव सी दिस वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इफ यू सी दिस दिस वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स तो अब हमने क्या करना है बच्चे ये देखना है कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कैसे कपलिंग की जाती है और क्या है ये प्लैरिटी बतानी है नॉ सी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ये जो ए इलेक्ट्रोड है वो किसके साथ कनेक्टेड है हेयर द जिंक हेयर दिस इज कॉपर जिंक में क्या होना है जिंक भी क्या होना है ऑक्सीडेशन क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड की तरह ना एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एनोड कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कैसी प्लैरिटी आएगी नेगेटिव प्लैरिटी आएगी जबकि कॉपर कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज कैथोड कैसा होता है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी प्लैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव की Now next why is the alternating current AC used for measuring the resistance? AC को क्यों यूज़ किया जाता है बच्चे क्योंकि ए सी को यूज़ करने से आयन्स जो होते हैं कंसनट्रेशन जो होती है आयंस की वो कॉन्सटेंट रहती है डी सी को यूज़ करोगे तो आयन्स रेगुलरली ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉ रेगुलरली ब्रेक करता रहता है और जनरली आयंस की कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है तो आयंस की कंसनट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखने के लिए हम ए सी करंट को यूज़ करते हैं नौ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनिक सेल हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल हैज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वन पॉइंट वन वोल्ट गैल्वेनिक सेल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितनी वन पॉइंट वन अगर अपोजिंग पोटेंशियल यानी जो बाहर से आप पोटेंशियल डिफ्रेंस क्रिएट करा रहे हो बाहर से जो पोटेंशियल दिया है अपला वन पॉइंट वन वोल्ट का ही सप्लाई किया गया है मीन्स एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू द इंटरनल पोटेंशियल तो उस केस में आपके सेल में करंट फ्लो नहीं करेगा और सेल का करना क्या कर देगा बंद करेगा तो करंट विल स्टॉप फ्लोइंग नेक्स्ट हाउ विल दी एच ऑफ द ब्राइन सोल्यूशंस यानी आप ब्राइन क्या मीन्स एक्वा सोल्यूशन ऑफ एनेसियल बी अफेक्टेड कैसे अफेक्ट होगा जब आप क्या दोगे इसको इलेक्ट्रिसिटी तो नेचुरली बात है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो ब्राइन सोल्यूशन को तो आपको क्या बनता है एन ए सी एल बदल जाता है एन ए ओ एच तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस बना है तो जो पीएच होगी वो मोर देन क्या पाएगी सेवन अनलाइक ड्राई सेल मर्करी सेल एज अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल अब वो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल क्यों देता है थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ आयन इन द ओवरऑल रिएक्शन कि आपकी मर्करी सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उस सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती आयंस इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं सपोज टू इलेक्ट्रोलाइट है ए एंड बी आपने दोनों में क्या डाल दिया डल्यूशन कर दिए लैम्डा एम ऑफ द बी यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी की वन पॉइंट फाइव टाइम इंक्रीज कर रही है जबकि ए की कितनी कर रही है ट्वेंटी फाइव टाइम्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ए की तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा तो नेचुरल बात है आप डेल्यूट कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर आपने नोटिस किया हो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है ठीक है कंसनट्रेशन डिक्रीज यानी डिल्यूशन कर रहे हो और ये आपकी क्या है लेमडा एम इंक्रीज़ तो करती है क्योंकि शुरुआत अगर इतनी है तो कितनी इंक्रीज हुई है ओनली दिस वन इसका मतलब इंक्रीज़ तो करती है लेकिन बहुत कम करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हेयर इंक्रीज जो पी इलेक्ट्रोलाइट है उसका इंक्रीज कितना है वन पॉइंट फाइव और दूसरे का कितना है ट्वेंटी फाइव टाइम्स ए का कितना ट्वेंटी फाइव टाइम्स दैट मीन्स बी आपकी क्या पाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाएगा बी क्यों क्योंकि इसकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन के साथ आयनिक जो अट्रैक्शन हो रही हैं वो डिक्रीज कर रही है रैमडा एम को ना नेक्स्ट इज वैन एसिडिकुलेटेड वाटर डिल्यूटेट सफोर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो पी एच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज अफेक्टेड पी एच जो होता है वो रिजल्टिंग सोल्यूशन का क्या हो जाता है अफेक्टेड होता है तो अब देखते कैसे अब जब एसिड वाला पानी दिया है पानी में इलेक्ट्रिसिटी दी है तो एसिड भी ब्रेक करेगा और पानी भी ब्रेक करेगा एसिड ब्रेक करेगा तो एज एच पॉजिटिव हाँ जी अगर आप एच टू एस ओ फोर को दोगे तो एच पॉजिटिव प्लस में सल्फेट आयंस और पानी को इलेक्ट्रिसिटी दोगे H positive plus H so the, तो एच पॉजिटिव प्लस में ओ एच नेगेटिव तो दिस इज मूव टू द दाइन मूव टू द केथ तो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन तो कॉन्स्टेंट गई देखो पी ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा अफेक्टेड नहीं करेगी क्यों, क्योंकि क्योंकि एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन क्या है एच कॉन्स्टेंट क्योंकि आपकी एच पॉजिटिव जितने एच निकल रहे हैं उतने वो क्या करेंगे देखो अगर इफ़ यू बैलेंस द रिएक्शन एनोड पे क्या कौन गया है वोटर एनोड पे कौन गया है वोटर वोटर में ब्रेक करेगा ऑक्सीजन प्लस फोर एच पॉजिटिव आयन निकालेंगे और फोर इलेक्ट्रॉन और उस फोर इलेक्ट्रॉन को लेगा फोर एच पॉजिटिव आयन और किस में मिल जाएगा एस टू में तो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन तो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि जितने एसिड निकाल रहा है उतने दूसरे एच पॉजिटिव एनोड पे पर लेकर वाटर की क्या कर रहे हैं दिस रिडक्शन कर रहे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्व सोल्यूशन हाउ डज़ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भैया अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया बच्चे के चेंजेस विद द एडिशन ऑफ वाटर क्योंकि अब आप डाल ड्यूशन कर रहे हो तो आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो यह कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है क्यों क्योंकि नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो डिक्रीज करने लग जाते हैं नैफ्रेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है आप यूज करते हो इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए नो एस एच ई दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका हम पोटेंशियल कितना लेते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल जीरो लेते हैं और फिर हम किसी भी, भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको साथ क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं नो हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने रिएक्शन कंसीडर करिए कॉपर में जा रहा है कॉपर टू पॉजिटिव डैटमीन्स रिडक्शन हो रही है यानी कैथोड का काम करेगा और क्लोरीन नेगेटिव किस में जा रहा है सी एल टू में माइनस वन से जीरो में डैट मीन्स क्या हो रही है ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे क्या बिहेव करेगी एनोड तो कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर टू पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पे क्या काम हो रहा है एनोड पे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या, क्या काम करेगा एनोड का और वहाँ पर क्या हो रही है सी एल नेगेटिव आ, कॉपर कन्वर्टेड इन टू कॉपर टू पॉजिटिव प्लस रिलीज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एंड क्लोरीन नेगेटिव क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल रहा है क्लोरीन नेगेटिव में है दो कॉपर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है एनोड पे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करेगा एनोड का और जबकि क्लोरीन पे क्या और रिडक्शन रिडक्शन कहाँ होती है कैथोड पे तो किसका काम करेगा कैथोड पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है ठीक है अब नर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता है किसके लिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर द डैनियल सेल्स तो हमें पता है E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सॉरी जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा टू कॉपर गेन करेगा टू लॉग ऑफ हेयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या बनते हैं जिंक टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर टू पॉजिटिव कंसनट्रेशन ना हाउ विल द इलेक्ट्रोन पोटेंशियल सेल इफेक्टेड वैन यू कॉन्सेंट्रेशन जिंक टू पॉजिटिव एंड गेट इंक्रीज अगर जिंक टू पॉजिटिव की इंक्रीज करेंगे सो so, अगर आप जिंक टू पॉजिटिव अगर आप देखें अगर हम इसको रेसीप्रोकल कर दें तो यो नेगेटिव साइन विल बी पॉजिटिव साइन एंड ई सेल अब नाओ रेसीप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉन्सटेंट है ये हर चीज़ कॉन्स्टेंट है तो अब ई सेल किसके तरह इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा जिंक टू पॉजिटिव अगर आप जिंक टू पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो आपका ई e नोट सेल क्या हो जाएगा डिक्रीज ई e सेल क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज करने लग जाएगा नाउ व्हाट एडवेंटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज के ऊपर फ्यूल सेल की क्या जो एडवांटेज है कि प्राइमरी बैटरीज कंटेनर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्राइमरी बैटरीज में अमाउंट रिएक्टेंट इतना कम होता है कि हम एंड आर डिस्चार्ज वैन द रिएक्टन हैव बिन कंज्यूम्ड और वो ख़त्म हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है जब रिएक्टन कंज्यूम हो जाता है सेकेंडरी बैटरी ठीक है वे रिचार्ज तो हो जाती है लेकिन वो लंबा टाइम लेती है रिचार्ज होने के लिए लेकिन फ्यूल सेल्स कॉन्टीन्यूसली रन करता है ठीक है और में हम रिएक्टन को सप्लाई करते हैं कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्ट बनता रहता है और, और उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं रिमूव करते रहते हैं ना नेक्स्ट इज राइट दैल रिएक्शन ऑफ द लेट स्टोरेज बैटरी लेट स्टोरेज बैटरी की आपने रिएक्शन लिखनी है और तब लेकिन जब वो डिस्चार्जिंग हो रही है यानी जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है एनोड पर क्या है लेड कैथोड पर क्या है लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट कौन से लिया आपने सल्फ्यिक एसिड तो पी बी एनोड पी बी ओ टू कैथोड सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट दीज थ्री कम्बाइन टू फोम लेट सल्फेट प्लस में वोटर तो डेंसिटी लगातार जो इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज करती जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बदलती रहेगी क्योंकि बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होगी इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम होता चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वाई ऑन द डोल्यूशन द लैमडा एम ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज ड्रेस्टिकली वाइल दैट ऑफ सोडियम एसिडिट इंक्रीज ग्रेजुअली कि भाई आप अगर देखें डेल्यूशन करें तो सी एस थ्री सी ओ एच की तो ड्रेस्टिकली इंक्रीज करती है तो हमें पता है ये क्या है एक वीक एसिड है तो वीक एसिड की स्टिपली इंक्रीज करेगी तो एसिटिक एसिड एसेट कैसा है? एक वीक एसिडिक है नंबर ऑफ फाइन्स जो है लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है लेकिन अब एसिटी टाइम्स बन गए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड जो था वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था लेकिन अब जो एसिटी टाइन्स है वो कैसा बन गया है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है और नंबर ऑफ आयंस जो होंगे अब आपके कैसे रह जाएंगे कॉन्स्टेंट एंड द इंटर आयनिक जो है अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है नंबर ऑफ आइंस हो जाएंगे लेकिन इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन हो रही है वो कम हो रही है इसलिए एसिटिक एसिड की तो ड्रेस्टिकली इंक्रीज करती है बट एसिडी टाइन्स की ग्रेजुअली जो होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है So, I, I hope you, student, you understand the exemplar question of this chapter electrochemistry. Okay, bye bye.